हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ हरि बोल। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। आवाज आ रही है, सुनाई पड़ रहा है सबको? हरे कृष्ण हरि बोल। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? जब श्री वसुदेव महाराज यज्ञ कर रहे थे, जो यज्ञ का नाम था विश्व शांति महायज्ञ। जब यज्ञों के बीच में नारद जी आए तो उन्होंने यज्ञ को बंद करवा दिया। बोले यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, हम यज्ञ जिस काम के लिए कर रहे थे वो स्वयं यहाँ पर आ गए। बोले कौन आ गए? बोले श्री नारद जी आ गए। हैं? बोले नारद जी आ गए मतलब है हमारा जो यज्ञ है वो सक्सेसफुल हो गया, यज्ञ हमारी सार्थकता हो गया। क्यों? श्री नारद जी आए हैं, इनका दर्शन हमें मिल गया। इसका मतलब प्रभुपाद इसका विषय में प्रभुपाद कहते हैं, बोले इसका मतलब है जब जीवन में किसी शुद्ध साधु का दर्शन मिल जाए, समझना जीवन का जितने पुण्य का जो फल है वो एकत्रित होकर के वो सारे यज्ञ का फल आपको सामने आ गया है, ये समझनी चाहिए। इसलिए श्री वसुदेव महाराज ने यज्ञ को बंद करवा दिया। बोले यज्ञ बंद कर दो, और जितने वहां सामग्री इकट्ठे किए थे, धूप दीप नैवेद्य चंदन अगुर कर्पूर, वो सबके सब चीज दे करके उन्होंने श्री नारद जी की सेवा में लगा दिया। हैं? नारद जी की सेवा में, चरण की सेवा में लगा दी। बोले आज हमारे अहोभाग्य है, आज हमारा अहोभाग्य है, आज हमें संतों का वैष्णव दर्शन हो गया। साधु दर्शन हमें, साधु का दर्शन हमें हो गया। इसलिए शास्त्र कहता है साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। मतलब हर शास्त्र एक ही बात कहता है, हमें संतन का संग हमें करनी चाहिए। अगर जीवन में एक लव, अगर जीवन में साधु संग हो गया तो कहते जीवन में सब कुछ तुम्हें जीवन में मिल गया, जीवन में तुम्हारी किसी चीज की कमी नहीं रही, जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल गया है। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, भैया साधु संग से ऐसे क्या चीज मिलता है? शास्त्र कहता है अगर जीवन में एक लव साधु संग हो जाए, एक लव कितना, एक लव कितना है? हाँ, एक सेकंड का ग्यारहवां भाग को एक लव कहते हैं, मतलब इतने कम समय, जिसको एक क्षण, जिसको एक पलक, जिसको एक पलक, जिसको एक क्षण कहते हैं। अगर जीवन में इतना समय अगर साधु संग हो गया तो कहते जीवन का सब सुखी, जीवन का सारे सुख तुमको मिल गया, जीवन का सारे सुख तुम्हें, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो गई जीवन में। हैं? तो कहते हैं भैया ऐसे क्या चीज मिलता है, साधु संग से हमें क्या मिला? बल्कि जब साधु आते हैं हम उनको देते हैं, हम उनको देते हैं। अब साधु थोड़ी हम क्या देते हैं, हम तो उल्टा उनको कुछ देते हैं। हम तो उल्टा उनको देते हैं, थोड़ी हम लेते हैं, हम तो कुछ पैसा देते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं, कुछ करते हैं ना साधुओं को। कहते साधु तो हमें क्या दिया जो इतना बड़ी बात कहते हैं। तब हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते जीवन में सारे सुख कब मिलेगा, जब जीवन में भगवान की चरण में तुम्हें प्रेम हो जाए। ठाकुर जी की चरण में जब तुम्हारी प्रेम हो जाए ना, तभी जीवन में सारे सुख तभी मिलेगा। हैं? जीवन में जो प्रेम हो जाए, अभी वो जो प्रेम होगा कैसे प्रेम होगा, जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए भक्ति का जो अंकुर है, भक्ति का जो बीज है वो साधु से मिलता है। हैं? इसलिए साधु संघ का जो कहते जो भक्ति का जो बीज है ना, कहते ये साधु से ये बीज मिलता है। अगर बीज नहीं होगा तो उसमें अंकुर कहाँ से होगा, अगर अंकुर नहीं होगा तो वहाँ वृक्ष कैसे होगा, हो नहीं सकता है, वो बीज से होगा। कहते वो बीज क्या है? बोले श्रद्धा।
भक्ति का जो बीज है ये श्रद्धा, लेकिन ये श्रद्धा कहाँ मिलेगी, मिलेगी केवल शुद्ध साधु से, तभी ये श्रद्धा केवल शुद्ध साधु से ही प्राप्त होता है और कहीं नहीं होगा। कहते हैं भैया शुद्ध साधु से क्यों होगा, और क्यों के? और कहीं से क्यों नहीं होगा, ये साधु से कैसे होगा? तब श्रील जीव को ले लो, लेकर के बीज में बो दो, उसमें वृक्ष नहीं होगा। उसी में बोले ऐसे कौन सा वृक्ष है, एक बरगद का वृक्ष है और एक है अस्वस्थ पीपल का पेड़ है। इसलिए आप कभी भी आप पीपल पेड़ को नीचे, पीपल पेड़ को नीचे कभी भी आप पीपल पेड़ नहीं दिखोगे। किसी बरगद का पेड़ को नीचे आप कभी भी बरगद का पेड़ कभी नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे, किसी छत के ऊपर में, किस छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर में देखोगे, वो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, नहीं तो छत के ऊपर देखोगे, वो किसी वृक्षों के नीचे नहीं देखोगे। बोले ऐसे क्यों, ऐसे क्या कारण? बोले कारण है तभी वो वृक्ष होगा जब वो बीज को कोई चिड़िया खाएगा, वो बीज चिड़िया के पेट में जाए, उसकी पेट में ऐसे एक दिव्य शक्ति है, फिर जब वो बीट करता है, पायखाना करेगा, बीट करेगा, तब भी जा करके कहीं वो वृक्ष होगा, नहीं तो वृक्ष नहीं होगा। इसलिए देखो वृक्ष होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, एक मिट्टी की जरूरत है, एक पानी की जरूरत है और एक हवा की जरूरत है। जब तीन चीज मिलेगा तभी जाकर कोई पेड़ होगा, नहीं तो बेस्ट पेड़ नहीं हो जाएगा। लेकिन आप देखना आश्चर्य की बात, आप देखना छत के ऊपर में जहाँ सीमेंट है ना, वहां पर पीपल का पेड़ है, वहां पर बरगद का पेड़ है, और इतने जोर जबरदस्ती होता है वो पूरा छत को फाड़ देता है। आप देखना वो छत को फाड़ देता है पूरा पूरा, और वहां पर वो वृक्ष हो जाती है। बोले ऐसे कैसे हो जाती है? बोले जब हम किसी कारण है, यहाँ पर उदाहरण देते हैं जीव गोस्वामी, कहते साधु संघ की इतने महिमा, साधु संघ की इतने महिमा, साधु संघ की अगर तुम्हारी हृदय में कुछ भी नहीं, भक्ति की भाव भी नहीं, अगर जीवन में साधु संघ हो गया ना, इतने साधु संघ की महिमा तुम्हारी जो निरस हृदय में, तुम्हारी निरस हृदय को वो सरस बना दे, तुम्हारी निरस हृदय को वो सरस बना देंगे, प्रेम प्रदान कर देंगे। जैसे श्री नारद जी हैं, जैसे श्री नारद जी वो एक ब्याध को साथ में मिले, जो ब्याध क्या करता था, जानवर को मार करके आधा बड़ा करके फेंक देता था, वो तड़फड़ाया करते थे। जब नारद जी ने देखा एक खरगोश अपना आधा बड़ा कर तड़फड़ा रहे हैं, देखा एक हिरण भी आधा मरा होकर तड़फड़ा रहा है, देखा एक सुअर को देखा आधा मर कर तड़फड़ा रहे, नारद जी ने भैया ये सके कौन, इसने करके देखा और एक बहेलिया, वो बहेलिया और एक हिरण के ऊपर में बाण संधान कर रहे हैं। जब नारद जी आए हिरण से भाग गया वहां से, उस ब्याध को तो बड़ा क्रोध आया, बोले बाबा तू इधर क्यों आ गया, मेरा एक शिकार बर्बाद हो गया। लेकिन नारद तो वैष्णव साधु, वो साधु नारद जी, लेकिन उनको देख करके संभ्रम हुआ है। नारद जी ने पूछा ये जानवर को आधा मरा करके किसने रखा है? बोले मैंने रखा। बोले भैया मारना तो जान से मार दो ना, तो आधा मरा करके क्यों रखे? बोले मेरे पिताजी ने सिखाया, हमको बड़ा आनंद होता है जब कोई तड़फड़ाता है ना जी, हमें बड़े खुश होता है, देखो इनकी बुद्धि कैसे, इनकी बुद्धि। लेकिन ऐसे दुष्ट व्यक्ति जब श्री नारद जी की कृपा हो गई, बस इतने बड़े साधु बन गए, तो उन्होंने भगवान का नाम दिया, बोले यहीं पर बैठो भजन करो। कुछ दिन बाद में जब नारद जी उधर से होते हुए जा रहे थे, फिर जब दर्शन करने के लिए आए, मेरा चेला क्या ब्रह्म समान। इसलिए यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर श्री जीव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, बोले देखो जीव गोस्वामी कहते, इसलिए साधु संघ की इतने महिमा है, जो तुम्हारी हृदय में कोई निरस हृदय है, लेकिन अगर ये निरस हृदय में अगर कोई सरसता दे दो तो कौन है? बोले ये केवल साधु ही तुम्हारी निरस हृदय को सरस बना देते हैं, साधु संघ की इतने महिमा। इसलिए जब यहाँ पर
अखंड रहे। इसलिए यहाँ पर जिस समय श्री नारद जी वहां पर जब आए, इसलिए श्री वसुदेव महाराज खड़े होकर के बोले यज्ञ बंद करो, यज्ञ करने का कोई जरूरत नहीं, हमें जीवन में साधुओं का दर्शन हमें प्राप्त हो गया, हमें साधु दर्शन मिल गया, हमें और कुछ करने का हमें जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, तब श्री वसुदेव महाराज नारद जी से प्रश्न करते हैं, जीवन में शांति कैसे मिले, जीवन में हमें शांति कैसे मिलेगा। उन्होंने प्रश्न किया है, उन्होंने क्या बताया याद है तुम लोगों को? कल क्या कथा सुनाते, क्या याद है किसको? उन्होंने क्या बताया शांति जीवन में कैसे मिलेगी, उन्होंने क्या उत्तर दिया था, कुछ याद है? सब भूल गए। उन्होंने पहले बताए अशांति क्यों है, हम कहते शांति मिलेगी कैसे, तो उन्होंने बोले अशांति क्यों है, जीवन में दुख भर क्यों आया है, बोले इसका एक ही कारण है, हमने भगवान को भूल गए, ठाकुर जी को हमने भूल गए, इसलिए उनको बहिरंग शक्ति संसार में हमें डाल दिया है। लेकिन अभी निकलना कैसे है, कहते उसको निकलने के लिए हमें सदगुरु का चरण आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, सदगुरु का चरणों को हमें आश्रय ग्रहण करनी चाहिए, आश्रय ग्रहण करते हुए फिर भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कल हम श्रवण कर रहे थे, कोई कोई सोचते है ना, अरे भक्ति तो बहुत कठिन चीज है, भक्ति तो बड़ी कठिन चीज है, ठाकुर जी के लिए पैसा कमाओ, अभी संसार के लिए रसोई बनाते हैं, अभी ठाकुर जी के लिए रसोई बनाओ, पहले अपना लिए मकान बनाते हो, ठाकुर जी के लिए मकान बनाओ, पहले अपना लिए घर साफ करते थे, नहीं करके क्या करो, ठाकुर जी के लिए मंदिर साफ करो, पहले अपना लिए स्नान करते थे, अभी किसके लिए स्नान करो, ठाकुर जी के लिए स्नान करो, बस यही भक्ति, और भक्ति कुछ नहीं है, इतना ही भक्ति है। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, कहते हैं महाराज ये जो भक्ति मार्ग है, ये भक्ति मार्ग में किसको पतन नहीं कर होता है, कभी कोई गिरते नहीं भक्ति मार्ग में, लेकिन ज्ञान मार्ग में गिरते हैं, योग मार्ग में पतन होता है, लेकिन भक्ति में किसी को कभी पतन होते हुए कभी नहीं मिलते। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो भगवान है ना, बोले सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, तोर जो धन की में बत्यागे, साग भी दूर घर खाई ओ, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम की बस अर्जुन रत हाको, भूल गए ठाकुराई ओ, भूल गए ठाकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। इसलिए ना जल्दी रिश्ता नहीं, ये संसार में देखो सब प्रेम चाहते हैं, प्रेम चाहते कि नहीं, दुनिया प्रेम चाहते, प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है, अगर जगत में प्रेम नहीं मिलेगा ना फिर सुसाइड करता है, सुसाइड कब करता है, जब देखता है पिता भी प्रेम नहीं करते, पत्नी भी नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते, दुनिया सब उसको नफरत कर रहे हैं, फिर अंतिम में क्या करेगा, बोले और जिंदा नहीं रहे, अभी हम सुसाइड कर देंगे, फिर अंतिम समय में जाकर सुसाइड कर देता है। इसलिए जो आत्मा है ना ये प्रेम चाहता है, ये आत्मा ये प्रेम चाहता है, इसलिए बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए भगवान प्रेम में बसीभूत होकर के दुर्योधन का सारथी बन गए, अर्जुन का सारथी बन गए, भगवान प्रेम का बसीभूत होकर के भगवान सबरी के झूठा बैर खाए और बहुविध स्वाद बताए, बोले सबरी तुम्हारी झूठे बैर में आज इतने स्वाद आया ना, वैकुंठ में लक्ष्मी अभी मेरी सेवा करती है लेकिन उतना स्वाद
भगवान प्रेम होता है इतने वसीभूत हो जाते हैं। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव महाराज, भगवान को प्रेम करो, भगवान केवल तुम्हारी प्रेम चाहता है, भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान वस्तु नहीं देखते तुमने क्या दिया, भगवान ये देखते हैं तुमने कैसे दिया है, वो वस्तु नहीं देखते हैं तुमने किस भाव से दिया ये चीज को देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी हैं, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्याः प्रजच्छति। भगवान कहते हैं, भगवान चार चीज का नाम लिया है, बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ठाकुर जो ये चार चीज का नाम लिया ना, जो बिना पैसा में मिलता है, बिना पैसा में पानी है, अभी तो पानी बिकने लग गया, पानी कहीं बिकता था पहले, मैंने जब पहला बार देखा है ना पानी बिकते हुए, हम गांव के बोले पानी भी बिकती है, इसलिए पानी भी बिकती है, पहले पानी नहीं बिकती थी, इसलिए पत्रम पत्ता पत्ता थोड़ी बिकता है, पेड़ से उखाड़ करके हमारे गांव में ना, हमारे उधर है लोग क्या करते हैं वहां पर है, कहते कहीं साग भाग ना जंगल में जाकर के साग भाग को लेकर आ जाते हैं, क्या आप जा रहे हो? इसको ले जा प्रसाद ले जा, ये प्रसाद ले लीजिएगा, ठीक है, गिरिराज का प्रसाद, ठीक है, हाँ आऊंगा कुछ दिन बाद में आऊंगा। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए भगवान चार चीज का नाम, किसका किसका पत्ते खाकर खुश हो? अरे हाँ बिदुर, कहते साग बिदुर घर खाई सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, दुर्जधन को मेवा त्यागे और साग बिदुर घर खाई है, पत्ते खा करके, और उन्होंने पत्रम पुष्पम फूल से भगवान दीजिए गए, किसको द्वारा दीजिए गए फूल से, किसको द्वारा, ये हाथी, जिस समय मगरमच्छ हाथी को पकड़ कर खेत बोले फल के द्वारा किसके प्रति संतुष्ट हुई है, बोले झूठ झूठा बिदुर झूठे झूठे फल सबरी का खाए और बहु विध स्वाद बताए, किसके झूठे बैर खाए, बोले सबरी के झूठे बैर ठाकुर ने ग्रहण करके, बोले सबरी तेरे झूठे बेर में आज इतने स्वाद आया, बैकुंठ में लक्ष्मी अभी हमारी सेवा करती है उसमें इतना स्वाद हमें नहीं आता है, हैं? इसलिए पानी पानी किसको तरह किसकी पानी पीकर ठाकुर खुश हुए, हाँ कहते श्री अद्वैत आचार्य ने ठाकुर को केवल एक चून गंगा पानी और एक तुलसी दल देकर के ठाकुर जी को बुलाया, भगवान के आसन हिल गया, ठाकुर जी की आसन हिल गया, ठाकुर जी ठाकुर बैकुंठ छोड़ करके ठाकुर जी कहाँ गए।